आपने अगली एपिसोड में देखा था कि रीना, मोना, रिंकी, जिंकी, भोलू पिकनिक से वापस आ रहे हैं। आते समय धीरे धीरे वो वापस आ रहे हैं। रात बहुत हो चुकी थी, खून तो बहुत गिरा है, इतने बेरहमी से एक्सीडेंट हुई है सबकी। भोलू के सर में चोट आई है, रिंकी के सर पे और हाथ पे चोट आई है, चिंकी के पैरों में चोट आई है और हाथ पे, मोना के हाथ पे और सर पे चोट आई है। रीना के सर में और हाथ में गहरी चोट आई है, बहुत ही खून गिर चुका है, बहुत ही बेरहमी से सबकी एक्सीडेंट हुई है। भोलू सब बेहोश हो गए हैं, सिर्फ भोलू की होश आ रही है। अरे 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 अरे, सबकी एक्सीडेंट हो गई। मालकिन मालकिन मालकिन, आप कैसी हैं, आप कैसी हैं, आप ठीक तो है ना, आप ठीक तो है ना। मालकिन, अरे चिंकी बेटा, चिंकी बेटा, अरे चिंकी बेटा, तुम ठीक तो हो ना। अरे चिंकी, अरे चिंकी, रिंकी तुम ठीक तो हो ना, रिंकी तुम ठीक तो हो ना। अरे मोना, मोना दीदी तुम्हें क्या हो गया, मोना दीदी तुम्हें क्या हो गया। सबको हॉस्पिटल लेके जाना होगा, सबको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाना होगा। गाड़ी का तो पहिया, गाड़ी पूरा टूट गया है, मेरे को कुछ ना कुछ करके सबको हॉस्पिटल लेके जाना है। एक एक करके सबको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, मैं कुछ ना कुछ करके हॉस्पिटल लेके जाता हूँ इन लोगों को। ये कहते ही भोलू सबको हॉस्पिटल लेके जाने की व्यवस्था करने लगता है। भोलू सबको अपने गोद में उठा के धीरे धीरे मेडिकल लेके जाने लगता है सबको। धीरे धीरे मुझे तो कुछ तो करना है, मुझे सबको लेके जाना है हॉस्पिटल, सबको बहुत गहरी चोट आई है। धीरे धीरे सबको भोलू हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। अरे हॉस्पिटल आ गई, अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, भोलू चिल्लाने लगता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, सबको बहुत तेज से चोट आई है, प्लीज़ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे हाँ हाँ, हम लोग जा रहे हैं, बहुत ज़ोर से सबको चोट आई है, जल्दी जल्दी सबको लाइए अंदर, जल्दी जल्दी सबको लाइए अंदर, बहुत खून बह गया है सबका, बहुत खून बह गया है सबका। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए मेरी मालकिन को और बच्चों को और मोना दीदी को बहुत ज़ोर से चोट आई है, बहुत ही खून बह गया है, प्लीज़ देखिए उनको, देखिए प्लीज़ उनको देखिए। हाँ हाँ, मैं अभी देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे सब, मैं अभी देखता हूँ सबका, सबको अभी ट्रीटमेंट करता हूँ सबको, तुम टेंशन मत लो। अरे टीना, टीना तुम जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और जल्दी देखो, बहुत खून बह गई है, जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आके इनकी सारी ब्लड पोंछो। हाँ 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 डॉक्टर, हाँ डॉक्टर, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ। हाँ सर, हाँ डॉक्टर, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स ला के सबकी ब्लड पोंछती हूँ। टीना फर्स्ट एड बॉक्स लाती है।
फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है टीना। फर्स्ट एड बॉक्स कटन कहाँ गया? फर्स्ट एड बॉक्स में जल्दी लेके पहुँचना होगा, नहीं तो फिर डॉक्टर गुस्सा करेगा, नहीं तो फिर डॉक्टर गुस्सा करेंगे मेरे पे। जल्दी कहाँ गया कटन? फर्स्ट एड बॉक्स में कटन कहाँ रखा है मैंने? टीना कटन ढूंढ रही है, कटन लेके सारे खून को पूछेगी। अरे ये तो रहा कटन, मैं जल्दी से जल्दी ले लेती हूँ कटन। टीना कटन ले रही है फर्स्ट एड बॉक्स से, और डॉक्टर सारे पेशेंट्स को देख रहा है। कटन ले ली हूँ, और ड्रेसिंग करने लगती है। अरे बाप रे, इनको तो बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, इनको बैंडेज करना पड़ेगा। तभी डॉक्टर बोलता है, टीना टीना जिसे ज़्यादा चोट लगी है उन्हें बैंडेज कर दो। हाँ हाँ डॉक्टर, मैं अभी बैंडेज कर देती हूँ सबको। तो टीना सबको सबकी ड्रेसिंग करती है। अरे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और इन्हें भी तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, और इनकी तो सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तो सब रीना और मोना की बैंडेज कर देती है। तभी भोलू अपनी मालकिन को देखने आता है, और डॉक्टर बोलता है कि जो इन्हें लेके आया था उसके सर में भी बहुत चोट लगी है, टीना तुम उसकी भी ड्रेसिंग कर देना। तो भोलू जब जाता है तो टीना बोलती है, अरे भैया आपको भी तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आइए आइए मैं आपकी ड्रेसिंग करा देती हूँ। थोड़े देर बाद टीना को होश आता है, अरे मैं कहाँ हूँ। तभी टीना बोलती है, अरे अरे आप उठिए मत, आप लेटी रहिए, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आप हॉस्पिटल में हैं। अरे नहीं मुझे घर जाना है, अरे मुझे घर जाना है, रक्षाबंधन है, मेरी ननंद भी आने वाली है, मुझे घर जाना है। तभी भोलू अपनी मालकिन की आवाज़ सुनकर उनके पास जाने लगता है। अरे मालकिन आपको होश आ गई, आप लेटे रहिए, आपको बहुत ज़्यादा चोट आई है। अरे नहीं भोलू भैया, मैं कैसे यहाँ रह सकती हूँ, 2 दिन बाद तो रक्षाबंधन है और मेरी ननंद भी आने वाली है, मैं नहीं रह सकती, आप डॉक्टर को बोलिए मेरे को डिस्चार्ज चाहिए, मैं घर जाने चाहती हूँ। भोलू डॉक्टर से बात करता है कि डॉक्टर हमारी मालकिन को डिस्चार्ज दे दीजिए, वो रक्षाबंधन है, वो रहना नहीं चाहती। अरे नहीं नहीं भोलू, अरे कैसे डिस्चार्ज दे दूँ, उन्हें तो बहुत गहरी चोट आई है, घर जाना है, रक्षाबंधन है। भोलू डॉक्टर को बोलता है, तो डॉक्टर बोलता है ठीक है मैं डिस्चार्ज दे दूंगा, लेकिन कुछ दवा लिखता हूँ, तुम अपनी मालकिन को सही टाइम और सही वक्त में देते रहना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं सही वक्त में और सही टाइम में देता रहूँगा, आप दवाई लिख दीजिए। ये थी आज की कहानी। टीना देखते हैं कल, मिलते हैं कल रीना की ननंद से। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।